सूबे में योगी सरकार आने के बाद परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया है। इसी क्रम में बच्चों को दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन में घोटाले की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा शासन द्वारा एक नया शासनादेश जारी किया गया है, जिसके तहत पहले इसका प्रयोग बांदा जनपद में किया गया। वहां सफलता मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को मध्यान्ह भोजन के लिए प्रतिदिन हस्ताक्षर करना पड़ेगा। वहीं कक्षा एक और दो के बच्चों जिन्हें हस्ताक्षर करने में दिक्कत होगी, उनके नाम का पहला अक्षर लिखवाया जाएगा। इससे न सिर्फ मध्यान्ह भोजन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि बच्चों को मानक के अनुसार भोजन भी मिल सकेगा। जियो आया है आदेश अपर मुख्य सचिव साहब का और सारे जिलाधिकारियों को संबोधित है, जिसमें बांदा में इनिशिएटिव लिया गया था कि रजिस्टर जो मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित छात्र हैं उनको रजिस्टर पे उनके द्वारा हस्ताक्षर कराया जाए, तो सारे जनपदों के लिए अब लागू कर दिया गया है। और वो बच्चों उसका एक निर्धारित प्रोफार्मा है शासन द्वारा निर्धारित, उस पर जो बच्चे MDM खाएंगे वो अपना हस्ताक्षर करेंगे और जो जो नहीं आए रहेंगे उनको लाल स्याही से विद्यालय समाप्ति के बाद उनको मार्क किया जाएगा। और जो बच्चे हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे, जैसे कक्षा एक दो के बच्चे, उनके लिए ये व्यवस्था दी गई है, ये गाइडलाइन है कि वो बच्चे उनको कोई जैसे शब्द ज्ञान वर्ड का ज्ञान करा दिया, जैसे क लिख लें या कोई वर्ड लिख लें उसी को वो लिख दें, मार्क कर दें, तो उसी को उनका हस्ताक्षर मानते हुए ये व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद में करीब 2458 परिषद विद्यालय, 21 माध्यमिक विद्यालय, 2 सहायता प्राप्त और 10 समाज कल्याण व स्टेट के स्कूल हैं, जिसमें 2,64,000 बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन बनता है। ऐसे में लगातार शिकायत मिली थी कि मध्यान्ह भोजन में ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक के स्तर से गड़बड़ी की जा रही है, जिसको देखते हुए शासन ने प्रारूप तैयार करते हुए एक शासनादेश जारी किया है, जिसके तहत बच्चों को अब मध्यान्ह भोजन से पहले हस्ताक्षर करना होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोनभद्र से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट।